नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऐसी स्टोरी आई जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे उसका एंड नहीं मिल रहा, इसलिए मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। अगर किसी के पास मेरी इस स्टोरी का एंड हो, वो मुझे इसका प्लीज़ आंसर बताएं कमेंट्स में नीचे। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक महाकंजूस अपनी बीवी से बुरी तरह से परेशान था। इतना परेशान था कि उसका दिल करता था कि मैं उसको मार दूँ, उसका खून कर दूँ, पर हेल्पलेस था क्योंकि जानता था कि मर्डर करने में कितने लफड़े हैं। फिर उसने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना मैं किसी धर्मगुरु, किसी संत के पास जाकर उनसे प्रार्थना करूं कि मेरी बीवी जल्दी से जल्दी मर जाए। ऐसी मंशा लेकर वो एक बहुत बड़े धर्मगुरु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने अपनी प्रार्थना रखी कि मैं बुरी तरह से अपनी पत्नी से परेशान हूँ, वो हर टाइम चीखती है, चिल्लाती है, लड़ती है, दिल करता है मैं उसका खून कर दूँ, पर खून मैं कर नहीं सकता, सो मैं आपके पास ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द मेरी बीवी को मार दें। अब इस समय पे धर्मगुरु कंफ्यूज हो गए, बहुत पेशोपेश में पड़ गए, ऐसे कैसे? जीवन के लिए तो प्रार्थना होती है, मृत्यु के लिए तो आज तक किसी ने प्रार्थना नहीं की, ये कैसे संभव है? उन्होंने उसे मना किया, लेकिन ये जिद लेकर बैठा हुआ था कि मुझे अपनी पत्नी के लिए मृत्यु की प्रार्थना करनी है और करनी ही है। धर्मगुरु उसे मना करते रहे, लेकिन वो वहाँ से हिला ही नहीं, अपनी बात पर अड़कड़ बैठ गया। तब धर्मगुरु ने कुछ सोचा और उसके लिए उन्होंने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, एक काम करो, अगर आप किसी मंदिर, किसी धर्म स्थान पे दान करने की घोषणा कर देते हो और किसी तरह से आप उस दान को नहीं करते, तो जिस मंशा के साथ आप दान करते हो वो मंशा आपकी पूरी नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं दान, इसका मतलब ये हुआ कि धर्मगुरु ने उसे कहा कि आप किसी मंदिर में दान करने की घोषणा कर दें और उस दान को आप पूरा ना करें तो आपकी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सोल्यूशन इसे बहुत पसंद आया, इसने सोचा ठीक है, मैं आज ही किसी मंदिर में 1,000 रुपये दान का घोषणा कर देता हूँ। धर्मगुरु ने कहा, तूने तो दान करना ही नहीं, तो 1,000 क्यों, तू 1,00,000 रुपये दान की घोषणा कर। बनिया था, सॉरी कंजूस था, और कल्पना में भी दान का 1,00,000 रुपया उसे सहन नहीं हुआ, पर फिर भी उसने मन में सोचा कि दान तो करना ही नहीं, 1,000 के क्या 1,00,000 बोल दूँ तब भी चलेगा, सो उसने इसका बोला ठीक है मैं 1,00,000 दे दूँगा। अब संत ने कहा, रुक रुक, जब तूने दान करना ही नहीं है तो क्यों ना तू 1,00,000 की जगह 10,00,000 के दान का घोषणा कर दे, जितनी बड़ी तेरी दान की घोषणा होगी और तू वो दान नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स तेरी जो मनोकामना, कोई ये तेरी पत्नी की मृत्यु की जो बात है ये पूरी होने के चांसेस पूरे बनेंगे। ना ठीक है, घबराया, डरा, पर मन में विश्वास था, मैंने तो दान करना ही नहीं तो 1,00,000 क्या 10,00,000 क्या, मैं 10,00,000 के दान की घोषणा कर देता हूँ। अब ये एक बहुत बड़े मंदिर में चला गया और वहाँ भगवान से प्रार्थना की
कि मैं इस मंदिर में 10 लाख रुपए दान करूंगा, इसके एवज में आप मेरी पत्नी को स्वस्थ रखें, क्योंकि आजकल का धर्म बिजनेस ज़्यादा है। खैर जो भी है, अब ये दान करके जब घर आया तो इसके मन को एक संतुष्टि थी, चलो दान तो मैं करूँगा नहीं, मेरी पत्नी अब शीघ्र ही मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। धर्मगुरु ने उसे बोला था कि अगर 3 महीने तक तुम दान नहीं करोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी जो मनोकामना है वो उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी। अब इसने 3 महीने का सोचा समय है, मेरी पत्नी अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 3 महीने तक है, चलो क्यों ना मैं इसके लिए कुछ अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने ले चलूँ, खुश कर देता हूँ, क्या जा रहा है, 3 महीने में तो इसने लुढ़क ही जाना है। सो ये अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छे गहने, कपड़े, खाने पीने का सामान, जेवर सब लेकर अपनी पत्नी के पास जब पहुँचा तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, हैरान हुई कि जो आदमी मुझसे इतना कभी 1 रुपया नहीं देता था, आज मेरे लिए इतना कुछ लाया है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम से भी बात करने लगा कि 3 महीने का टाइम है, चलो प्रेम से बात की जाए। अब इस सब के एवज में वो बीवी जो थी उसकी, जब उसने देखा कि बहुत प्यार से बात कर रहा है, सब गिफ्ट भी दे रहा है, बहुत इज्जत भी दे रहा है, तो वो भी उसके साथ बहुत प्रेम से पेश आने लगी, बहुत अच्छे से पेश आने लगी। अब यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मरने की कामना कर रहा था, उसने देखा मेरी पत्नी इतना अच्छा व्यवहार भी कर सकती है, इतना अच्छा बिहेवियर भी है, इसे धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्रेम होने लगा। करते करते 3 महीने निकलने को हुए और जहाँ 2.5 महीने अभी पूरे ही हुए थे, इसे मन में घबराहट शुरू हो गई कि कहीं मेरी पत्नी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अब अपनी पत्नी के अच्छे व्यवहार से उसे प्रेम भी करने लगा था और उसका खुद का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति अच्छा होने लगा था। इस घबराहट में उसको टेंशन होने लगी कि अरे क्या होगा, ये कहीं सचमुच में ना चली जाए, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, मैं इसके मरने की कामना कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत अच्छी है, बहुत मेरा ख्याल रखती है। सो तरह के विचार आने लगे और अचानक क्या हुआ, उसकी पत्नी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ी, इधर इस व्यक्ति के होश ठिकाने आने शुरू हो गए और घबराहट शुरू हो गई कि हाय कहीं ये सचमुच में ना मर जाए। ये भागा भागा वापस धर्मगुरु के पास गया और धर्मगुरु से जाकर उसने प्रार्थना की कि मेरी पत्नी को बचाओ, वो बहुत बीमार है, मैं क्या करूं जिससे मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। धर्मगुरु ने कहा, करना क्या है, जो दान तूने बोला था अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, वो दान दे दे। अब इसके होश ठिकाने आ गए, 10 लाख दान, कंजूस तो वो 1 नंबर का था, 10 लाख का दान। अब ये पेशोपेश में पड़ गया कि मैं 10 लाख का दान दूं या पत्नी का और जीवन पत्नी का जीवन बताऊं या पत्नी को मरने दूं। यहां मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस व्यक्ति ने आखिर में किया क्या, दान देकर अपनी पत्नी की जान बचाई या पत्नी को मरने दिया, क्योंकि मुझे भी इस का उत्तर नहीं मिल रहा है। वो कंजूस ही नहीं, महाकंजूस था, 10 लाख उसका, 1,000 दान देने पर भी उसकी बुरी हालत हो जाती थी, तो उसने 10 लाख का दान कैसे दिया होगा, क्या दिया क्या नहीं किया। सो मैं आप लोगों से इस कहानी के एवज में इसका आंसर चाहती हूँ। किसी को ये कहानी पता है
तो कृपा करके मुझे इसके कमेंट में इस कहानी को पूरा करने की मदद करें। धन्यवाद।